So hi guys, welcome to Unacademy Neet. Here we are with your lecture number one on atomic structure. यार atomic structure बहुत ही मजेदार unit है ऐसे तो, और साथ ही साथ आप देखिए कि atomic structure में क्या आएगा, atom के बारे में सब कुछ है ना, मतलब structure of atom कैसा होता है यार, एटम ही है वो जिससे हर चीज की शुरुआत होती है. आप जानते हैं ना, ऐसा बचपन से बहुत ही एलिमेंट्री क्लासेस से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटम से, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, राइट. तो यानी कि यहीं से आपका बाकी का जितना आप पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारा मैटर और फिजिकल चीजों के बारे में पढ़ते हो, वो सब कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है, एटम से शुरू हो रहा है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री में जब भी आप ऐसा आगे बढ़े तो आपने अपनी शुरुआत यहाँ से एकदम अच्छे से की है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से. तो आज के सेशन में हम वैसे करने जा रहे हैं, एंड इन फैक्ट यार जो आपका एटम होता है उसमें और भी यू नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं. मतलब कि आप जानते हैं आपका जो एटम होता है उसमें आपके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब कुछ होता है ना. वो कैसे आया, उनका आइडिया कहाँ से मिलता है, वो किसने डिस्कवर किया, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उन पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. बट फॉर दैट आई शुड सी सम गुड जोश हियर इन द चैट सेक्शन. लगना चाहिए कि आज पहला पहला लेक्चर है अपना, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का. और तुम लोग को तो बहुत मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, ये भी था क्या बोलते हैं, तुम लोग को तो बहुत वो था कि और मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दो, है ना. हॉट पॉइजन सीक्रेट. पहले तो आप तो जरा शांति रखिए, ठीक है, इतना एक्साइटेड मत हुआ करो, थोड़ा सा तो अकल होना चाहिए. देखिए क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो मैंने अभी देखा कि आई वॉज लाइव ऑन सम अदर लिंक, है ना. तो ये सेशन आपका ऑलमोस्ट ऐसा 10-15 मिनट्स पहले स्टार्ट हो जाता, प्रोवाइडेड ये सही स्ट्रीम की मैंने यूज किया होता. तो एक्चुअली मैं दूसरे सेशन में ही अपने आप बोल रही थी, पर एनीवेज, और साथ ही साथ टुडे आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल. तो आई वाज लाइक कि यार ये सेशन लेके नहीं ले, पर देख लो फिर भी मैंने सेशन कैंसिल नहीं करा और मैं आपके सामने और ये सेशन ले रही हूँ, ठीक है. तो दो बात हो सकती थी, या तो सेशन हो या नहीं हो, पर हमने उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया जस्ट बाय 30 मिनट्स. और अभी अभी तो आपका फिजिक्स का भी सेशन था, है ना, तो आप लोग को भी ऐसा थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है. एनी वेज सम गुड जोश हियर इन द चैट सेक्शन, एंड विद दैट वी विल स्टार्ट विद दिस यूनिट. आप मुझे नहीं जानते हैं तो आई एम आकांक्षा, मैंने मास्टर्स किया है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वेर आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड दी स्कॉलरशिप फॉर माई टॉपर स्कोर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. एट द सेम टाइम आई एम अ CSIR नेट क्वालिफाइड विद AIR 35 एंड ऑल्सो अ गेट क्वालिफाइड. साथ ही साथ यार मैं हमेशा कहती हूं कि देखिए मेरा और आपका सेम ही गोल है ना. मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा AIR सिक्योर करें, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS परस्यू करें, और आप भी वही चाहते हैं. तो देखिए हम लोग का गोल सेम है, एकदम म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है अपना. बस क्या करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके होने चाहिए. यहाँ पर YouTube पर या जिस भी जगह पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा ड्यूटी पूरा हो रहा है और आपको समझ भी आ रहा होगा तभी आप मुझे फॉलो कर रहे हो. पर उसके बाद आपको अपना काम करना बहुत जरूरी है. इसका मतलब सेशन के बाद उसका रिवीजन, उसके नोट्स पूरे करना, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसमें प्लीज कोई कमी नहीं आना चाहिए. नहीं तो जितना आप यहाँ पर मेहनत करेंगे सेशन में पार्टिसिपेट कर सब कुछ कर वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, और मार्क्स में रेसिप्रोकेट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपनी तरफ से वो सही एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो एकदम ऐसा खुद से भी पूरी पूरी मेहनत करनी है. एंड आई नो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम ऐसा जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए बिल्कुल रेडी है ना, और करते भी हैं. साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच आपका चल रहा है प्लस पर. यार देखो आपको लगता है कि अब यूट्यूब पर पढ़ने पर मजा आता है, तो आप सोचिए जब आप हमारे साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे जहां पर सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, हर चीज के लिए प्रॉपर आपके पास एक जगह है, आपको डाउट आ रहा है तो आपको पता है डाउट कहां पूछना है, आपको पता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इधर उधर बुक्स के लिए सर्च नहीं करना पड़ रहा है कौन सा बुक लेना है, कुछ नहीं लेना है, आपको क्वेश्चंस खुद मिल जाएंगे. हर वीक आपका टेस्ट हो रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर आपको एक महीना पहले ही दिख जा रहा है कि आपका पूरा मंथली प्लान क्या होने वाला है, कब कब कौन सी क्लासेस होने वाली है, यानी कि ऑल इन ऑल कितना नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आपको आ जाएगा, है ना. तो यहां पर अगर आपको लगता है कि यार ऐसा अगर हो जाए फिर तो मैं बहुत मेहनत कर सकता हूं, और एक्चुअली यहाँ पर सब कुछ आपके लिए पहले ही सेट होगा, तो आपको सिर्फ मेहनत ही करनी है और सही डायरेक्शन दिखाने के लिए वी हैव दीज यू नो रियली गुड सेट ऑफ एडुकेटर्स फॉर यू, बीट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. मेरे साथ आप ये बैच में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ पढ़ सकते हैं. आपको क्या करना होगा, देखिए कोड यूज कर लीजिएगा AKA Live, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं अनअकैडमी में जितने भी टीचर्स हैं, चाहे फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, उनके यार जितने भी बैचेस हैं सब कुछ, हर किसी की क्लास में आप पार्टिसिपेट
क्रिएट कर सकते हो, सबका सब कुछ अनलॉक कर लेते हैं आप, सबका आपको गाइडेंस मिलता है, सबसे आप डाउट पूछ सकते हैं. तो दिस इज द कोड फॉर द पूरा टीम, राइट. एंड अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अनअकैडमी पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप जानते हैं आपको सिर्फ 10% ऑफ मिलता है, पर अभी आपको 30th September तक, यानी कि अगर आप 30th September तक अपना सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो यू विल बी एबल टू अवेल 20% ऑफ. तो देखिए, आइकॉनिक लें या प्लस लें, दोनों में ही जब आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. मेक श्योर कि आप कोड जरूर यूज करें, नहीं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा. दो तरह के ऑप्शंस दिखेंगे, प्लस और आइकॉनिक. गो विद आइकॉनिक. वैसे देखो, आइकॉनिक और प्लस में आइकॉनिक का फीस थोड़ा ज्यादा रहता है, पर वहां आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, एक्सपर्ट मिलते हैं, या तो जिनका खुद वैसा AIR रहा है या फिर जिन्होंने बहुत सारे ऐसे AIR प्रोड्यूस किए हैं, जो समझते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्या आपके लिए सही काम कर सकता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. एंड दैट इज हाउ वी हैव अ कस्टमाइज स्टडी प्लान फॉर यू. और साथ ही साथ अनअकैडमी स्टडी मटेरियल आपके घर तक चलकर आ जाता है. और यहाँ पर वी ऑल्सो हैव अ पेरेंट ऐप, यानी कि आपके पेरेंट्स भी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं. आपके टेस्ट का भी साइमल्टेनियस एनालिसिस चलता है, मतलब सब कुछ बहुत एज अ नेक्स्ट लेवल सिस्टमैटिक तरीके से, एक डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ पर चीजें आपकी ऑर्गेनाइज हो पाती है. साथ ही साथ अनसैट में पार्टिसिपेट करना तो कोई नहीं भूल रहा यार. और अनसैट अब तो काफी करीब है ना. 8th October आपका पहला ये अनसैट टेस्ट होने जा रहा है. दिस इज गोइंग टू बी वन स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आपको मौका मिलता है 100% स्कॉलरशिप फ्री ग्रैब करने का. आप समझिए उसका मतलब, यानी कि आप बेस्ट सेट ऑफ एडुकेटर्स के साथ जुड़ पाएंगे, वो भी ऑल फॉर फ्री. मतलब कि अगर आप उस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं who grabs like 100% of scholarship, तो आप सोचिए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई फीस नहीं आपको देना है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और सिर्फ एक आपका फोकस होगा आपके गोल पर, है ना. एंड दैट इज टू क्रैक नीट. श्योर श्योर सिलेक्शन लेना, वो भी इसी बारी में. तो मेक श्योर आपने एनरोल करा है. टेस्ट आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होने जा रहा है. कोड यूज कीजिएगा AK लाइव. जो आपका एनरोलमेंट फी है यार, वो 100 rupees है, लेकिन इसमें भी जब आप कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल बी एबल टू अवेल लाइक 10% ऑफ. अब यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है. बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद दिस सेशन, जल्दी से आई शुड सी सम गुड थम्स अप्स, या फिर आपका या हमारा वो जो भी फेवरेट इमोजी है उसको यहाँ पर जल्दी से शेयर कीजिए इधर चैट सेक्शन में. लगना चाहिए यार कि आज हमारा ऐसा टॉपिक की पहली क्लास है ना. सो दैट गुड एनर्जी हियर. और इसी के साथ आप जानते हैं कि मैं आपको मिलती हूँ टेलीग्राम पर. सो आई एम आकांक्षा कर्णवाल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नेम का पूरा स्पेलिंग मिलेगा, वही एकदम कॉपी पेस्ट. टेलीग्राम पर आप मुझे ढूंढेंगे, मैं आपको मिलूंगी. और वहां पर मैं अकेडमी पर जितनी क्लासेस लेती हूँ, स्पेशली ये यूट्यूब चैनल पर जितनी क्लासेस लेती हूँ, सबकी PDF वहां पर शेयर करती हूँ. तो टेलीग्राम खोलना, वहां ये ऐसा लिखना मेरा नाम का स्पेलिंग, आपको अपने आप ग्रुप और चैनल मिल जाएगा, उनमें ऐड हो जाएंगे. वहां अपने आप PDF आती रहती है, और बाकी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी भी मेरे सभी क्लासेस का लिंक, राइट. आहा, वेरी गुड. देखिए, एटम कौन होता है, बच्चा जानता है यार कि कोई भी हमारे पास अगर मैटर है, पहले तो मैटर क्या होता है. मैटर वो हर चीज जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, जिसका कुछ ना कुछ मास है, जो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना, उसको मैटर कहते हैं. मतलब यार, जैसे ये पेन है, इस पेन का अपना कुछ ना कुछ तो मास हो गई पक्का, है ना. साथ ही साथ इसको जहां भी रखेंगे ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जगह ऑक्यूपाई करेगा. तो आपके पास हर एक ऐसी चीज जो जिसका कुछ मास है स्पेसिफिक, जिसका जो एक पर्टिकुलर यू नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको आप क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. और फिर उसके बाद यार, ये जो अपना मैटर है उसको इतना डिवाइड किया जाए, इतना तोड़ा जाए, इतना हद तक आप इसको इसका डिवीजन कराएं कि आपके पास एक फाइनल वो स्मॉलेस्ट यूनिट बच जाए, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता हो, यानी कि जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. तो एटम जो आपका होता है वो व्हाट इज एग्जैक्टली और एटम, हम जानते हैं अभी तक तो एटलीस्ट मैम हमने यही पढ़ा है कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम. लेकिन फिर धीरे धीरे यार पता चलता है, ऐसे ना यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि यार हमें फिर बाद में पता चलता है कि एटम जो है ना, ऐसा नहीं है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट.
एटम जो होता है उसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और एटम के अंदर भी एक्चुअली कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और आज मुझे लगता है जितने स्टूडेंट्स यहां पर मुझे देख रहे हैं हर कोई ये जानता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और यार न्यूट्रॉन होता है ना, जल्दी से बताएंगे। हर कोई ये जानता है कि जो एटम होता है उसके अंदर वी हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यार ये कैसे पता चला, है ना, क्योंकि हमारा जो पहला थॉट था वो तो ये कि एटम जो है ना बुक को सबसे छोटा उसको तो फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में आपको पता चला कि नहीं, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और बेसिकली एटम के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और फिर एक न्यूट्रॉन। तो हम लोग यहां पर आज के क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहां से पता चला, अभी किसी ने तो डिस्कवर किया होगा इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ही प्रोटॉन को भी किसी ने तो डिस्कवर किया होगा, एंड वेरी सिमिलरली न्यूट्रॉन आल्सो। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, कोई है हमारी क्लास में जो ये बात जानता है? यार पहले तो बिल्कुल बढ़िया से सेशन को लाइक कर देना है ना, जिसने कंजूसी किया, मेरे को दिख रहा है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कंजूसी किया हुआ है। मेक श्योर जितने स्टूडेंट्स ऐसा लाइव यहाँ पर मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन, है ना। मतलब यार मेरे को भी तो पता चलना चाहिए कि कितना एक्साइटेड हो तुम लोग, कितना सेशन में इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन आप लोगों ने दिखाया है। आपका अटेंडेंस यहाँ पर रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। आहा यार तुम लोग यार नाइस प्यारे बच्चे एकदम। अभी सानिया, आशुतोष, डॉक्टर अभिषेक, रॉकी, वेरी गुड। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है एकदम परफेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमारे जे जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो जे जे थॉमसन एक्चुअली डिस्कवर्ड दी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि यार प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया फटाफट। तो शायद आप लोग जानते हैं प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, कम ऑन, किसने किया था आपका प्रोटॉन डिस्कवर, बोलो यार। तो बेसिकली प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, है ना। प्रोटॉन आपका डिस्कवर किया किसने, रदरफोर्ड ने। और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय शैडविक, चैडविक बोलो वट एवर वे, बट ये आपके कौन रहे जिन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, ठीक है। तो यहां से ये जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसने किसको डिस्कवर किया ये हमें समझ आ रहा है। पर यार कैसे डिस्कवर किया, जे जे थॉमसन को कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है, एटम के अंदर होता है, और फिर ऐसा सिर्फ लगने से तो कुछ होता नहीं है, लगने के बाद जो है आपको साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ता है ना, अपनी थ्योरी के लिए, अपने पोस्टुलेट के लिए। तो यहाँ पर कैसे उन्होंने इस बात का प्रूव किया कि एक्चुअली एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सब कुछ हम सीखेंगे। कहाँ से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन थे उनको डिस्कवर किया गया था विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और यहां से आपको पता लगा कि अच्छा यार कौन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, सबको दिखाई दे रहा है। आप ये आपका ये अरेंजमेंट है बेसिकली, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कराना है तो उसके लिए दिस इज अपना सेटअप। मैं इसको जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए और बढ़िया से आप लोग देख पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या कराने जा रहे हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कराने जा रहे हैं। अब यार देखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या लिया, ग्लास का ट्यूब लिया, एक ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पर ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये जो आपको बीच में दिख रहा है दिस इज नथिंग बट एक ग्लास का ट्यूब है, दैट्स इट। फिर ये जो ट्यूब है हमने क्या किया, इसको ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है सबको, इस ट्यूब को ऐसा बैटरी से कनेक्ट किया गया। अच्छा यार ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट करने से पहले आपने ना यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दी, इधर एक इलेक्ट्रोड लगाई उसको बोल दिया कैथोड, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड आपने दूसरे साइड भी लगाया, अरे अरे इसको हमने क्या बोला, एनोड बोला। तो बेसिकली जो आपका कैथोड हो या एनोड हो ये क्या होता है, देखिए चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, है ना, ये इलेक्ट्रोड्स होती है। और इलेक्ट्रोड्स अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रोड्स को पहले तो एकदम डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और फिर अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना है कि इलेक्ट्रोड का मतलब एक मेटल की रॉड, जैसे कोई भी मेटल है, मान लो यार मेरे हाथ में ये मेटल है। अब भाई मेटल तो सबको पता होता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कोई मेटल है, उसकी ये रॉड है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, मेटल का रॉड हो गया। तो ऐसे ही आपने एक मेटल के रॉड
रॉड्स लिए, दो रॉड्स हो गए, और उनको इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल के वो रॉड से इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं। तो एक ऐसा रॉड जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ऐसे हमारे पास दो तरह के रॉड्स होते हैं, कैथोड और एक एनोड। तो यहां पर आपने एक को कैथोड बोला है, एक को एनोड बोला है, बस यहां ये चैप्टर के लिए इतना पता होना काफी है क्योंकि बहुत डिटेल में आप लोग सीखेंगे कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। क्लास 12th का आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां पर, ठीक है। देखो यार, आपने ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब में इधर उधर दोनों साइड आपने मेटल के सरफेस लगा दिए और फिर वो मेटल सरफेस को ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिख रहा है ना सबको, यहाँ पर देखो ऐसा बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी से कैसे कनेक्ट किया भाई, ये वायर की हेल्प से। ये सबको वायर तो दिख ही रही है, यहां से तार निकलता हुआ दिख रहा है आप लोग को। तो ये वायर्स की हेल्प से आप लोगों ने दोनों तरफ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और फिर ये कुछ कुछ दिख रहा है तुम लोग को, यहां पर ये देख पा रहे हो आप लोग ये क्या लगाया हुआ है, ऐसा नीचे लिखा है वैक्यूम। तो एक्चुअली इन्होंने यहां पर क्या लगाया है, वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। ये ग्लास ट्यूब के अंदर एक जगह से वैक्यूम पंप लगा दिया। अब यार ये वैक्यूम पंप का क्या काम है बेसिकली, तो देखो वैक्यूम पंप क्या करता है, यहां से जितना भी ये ग्लास ट्यूब है ना इसके अंदर अल्ट्रा लो प्रेशर क्रिएट कर लेता है। मतलब यहां से सारा प्रेशर खींच लेगा और एकदम लो प्रेशर रह जाएगा आपका अंदर, यानी कि वेरी वेरी अल्ट्रा लो प्रेशर कंडीशन आपकी बन जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार ही पूछा गया एग्जाम में कि यार ये वैक्यूम पंप का क्या रोल होता है, तो आप क्या कहेंगे कि यार मैम बहुत लो प्रेशर हो जाए इसके अंदर, ये जो आपका ग्लास ट्यूब है इसके अंदर वेरी लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपना वैक्यूम पंप यूज किया जाता है। और वैसे तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, पर स्टिल मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर प्रेशर आपका क्रिएट होता है 10^-4 mmHg, ठीक है। इतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए किसको यूज किया गया है, ये वैक्यूम पंप को यूज किया गया है। और फिर ये जो आपने बैटरी लिया है ना, बैटरी एकदम सॉलिड बहुत दमदार बैटरी है क्योंकि यहां से आपको मिल जाएंगे 10,000 वोल्ट। कितना देखो यार, 10,000 वोल्ट तक आपका यहां से पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। और मतलब तुमने लगा दिया फिर इसको वायर से। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना, सिर्फ अभी तक हमने सेटअप को एक्सप्लेन किया है, बाकी तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं है ना, है ना, है ना, बोलिए। यहां तक हमने समझा कि अपना सेटअप कैसा है, सही है यार इतनी बात। फिर उसके बाद देखिए, अब यार मैं इस बैटरी को अगर ऑन करूंगी एकदम झटका लगेगा पूरे सिस्टम को। क्यों झटका लगेगा, क्योंकि देखिए बैटरी एकदम कितना 10,000 वोल्ट देता है एक ही बार में। तो यहां से क्या होगा, जैसे आप बैटरी को स्विच ऑन करोगे बैटरी से कौन निकल कर जाएंगे। अच्छा बैटरी जो होती है, इतना तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि बैटरी के यार दो टर्मिनल होते हैं, एक तो नेगेटिव टर्मिनल और फिर आपका बैटरी का होता है पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। देयर आर लाइक टू टर्मिनल्स टू द बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, राइट, उसको मैंने इधर ये कैथोड वाली जगह से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ये जो अपना नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, यहां से जो आपका वायर इसको जोड़ा गया है वो ये कैथोड तक जा रहा है। इसका मतलब अपनी कैथोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। कैथोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और क्योंकि आपका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये जुड़ा है दूसरे साइड से ये एनोड से, तो ये वाला जो आपका साइड है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि आपकी जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो कैथोड तो नेगेटिव हो गई और एनोड आपकी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, है ना यार। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। अभी उसके बाद जैसे आपने बैटरी को ऑन किया तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यार अपना जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां से ऐसे चलकर भाग भाग कर ऐसा वायर के थ्रू वायर में चलकर कौन जाने वाले, इलेक्ट्रॉन। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से अंदर भी भागेंगे, है ना, ऐसा ग्लास ट्यूब के अंदर भी चले जाएंगे क्योंकि आपने मेटल का रॉड लगाया हुआ है, तो वो रॉड से होते हुए अंदर चले जाएंगे ग्लास ट्यूब के। तो इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा चलने वाले हैं। अब यार इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे हैं, कैथोड वाली साइड से आ रहे हैं कि नहीं, है ना। अच्छा अभी तो हमें पता है, अभी तो वी आर क्वाइट स्मार्ट और हम जानते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पर तब तो किसी को पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ होते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, उनको देखने में ऐसा लगा कि यार अपनी जो कैथोड है ना वहां से एक बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ रे ऐसा पास हो रही है और यू नो एनोड की तरफ जा रही है।
राइट, देयर इज अ रे ऑफ बीम और वो आपकी कैथोड से एनोड तक निकलती हुई जा रही है. दिख रहा है ना सबको ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, कैथोड से निकलते हुए एनोड की तरफ जा रहे हैं. तो उन्होंने उस टाइम इलेक्ट्रॉन तो किसी को पता नहीं था, उनको लगा दिखा कि यार एक बीम है जो ऐसा पास हो रही है और कहां से निकल रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है. बस यहीं रुक जाइए क्योंकि आपकी ये जो रे है वो कैथोड से किधर जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है. इसीलिए हमने इसको क्या क्या नाम दिया, क्या नाम देंगे, कैथोड रे. आपने इसको क्या कह दिया, क्योंकि आपकी ये जो बीम है, ये जो रे है, ये कहां से कहां जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है. तो आप इसको क्या कहेंगे कि यार ये हमारी कैथोड रे है. आई इतनी बात समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया. और वैसे आपको पता ही है ये कैथोड रे कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है यार. अब तो तुम सब जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जाएंगे, है ना, ठीक है. अच्छा यार ये जो आपके क्या बोलते हैं कैथोड रे थी ना, इसको पहले हमने पता है क्या बोला, सबसे पहले तो इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछते हैं एग्जामिनर. देखिए क्योंकि आपकी जो रेस हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, दे वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इसीलिए इनको क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया. फिर उसके बाद यहाँ पर पता क्या होता है, मतलब हम लोग नेचर ऑफ कैथोड रे पढ़ रहे हैं कि यार ये जो अपनी कैथोड रे है जिनको अभी आपने डिस्कवर किया है, ये आपकी जो रेस है इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो देखिए आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यार जो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं दे वर डिफ्लेक्टेड. इस बात का मतलब क्या होता है, देखो इस बात का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो बीच में कैथोड रे जहां बन रही है ना, यहाँ पर अपना ये जो जगह है जिसमें आपके पास ऐसा कैथोड रे बन रही है, अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आओगे, समझ आ रहा है, मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड ले आओ या इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आओ, तो जैसे रे अपना सीधी चल रही है और चलते चलते ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मेरा हाथ देखिए ऐसा सीधा सीधा, और फिर चलते चलते या तो इधर या इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब अपनी जगह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है. इस बात का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है ना, ऐसा तुम किसी को देखकर ऐसा पीछे मुड़ जाओ, ऐसा कब होगा, जब तुम पीछा मुड़ना चाहते हो, है ना, क्यों मुड़ना चाहते हो, आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, है ना, या तो आप उनके एकदम ऐसा पास, दो तरह का डिफ्लेक्शन हो सकता है कि आपको सीधा चलना है पर यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है जिनसे आपको डेफिनेटली मिलना है तो आप इधर डिफ्लेक्ट हो जाओगे, या फिर उसका ऑपोजिट है तो तुम उल्टा घूम जाओगे, है ना, दोनों ही बातें हो सकती हैं. तो देखिए अगर ये जो कैथोड रेज है, अगर इनके ऊपर बेसिकली चार्ज होगा, है ना, तभी ये डिफ्लेक्ट होंगी, या तो अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा या नेगेटिव चार्ज रहा होगा. क्योंकि देखिए अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सामने कुछ पॉजिटिव आएगा तो ये दे विल बी डिफ्लेक्टेड बैक, वापस घूम जाएंगे, रिपल्शन फेस करेंगी, और अगर तो इनके सामने नेगेटिव चार्ज आएगा ये उसके पास चली जाएंगी क्योंकि उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगी. अब भी हमें नहीं पता इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, राइट. वैसे आपको पता है, मेरे को एक बात बताओ यार, यहां पर आपकी जो रेज है वो कहां से निकल रही है, कैथोड से एनोड की तरफ, और एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ये देखो अपना जो एनोड है यार, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड था, तो ये तो पॉजिटिव एंड है ना, और रेज चलती भी आ रही है किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो रेज कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है मैम, है ना, यही तो आपने कहा कि यार अपनी जो रेज है वो कैथोड से निकलते हुए एनोड की तरफ जा रही है, जहां आप जानते हो आपका जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है. अगर के इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ते हुए आ रहे, इसका मतलब कोई किसी की तरफ क्यों आ रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है यार. तो यहां पर क्या आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो कैथोड रेज है, अभी तो इलेक्ट्रॉन हमने कहा नहीं उनको, अभी तो हम इनको कैथोड रेज बोल रहे हैं, कि आपकी कैथोड रेज पर जरूर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो वो ऐसा पॉजिटिव की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तभी तो वो एनोड के पास जा रहे हैं क्योंकि एनोड के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव के पास कोई आ रहा है तो वो पक्का नेगेटिव रहा होगा. तो यहां से आपकी एक बात प्रूफ हो जाती है कि यार जो अपनी कैथोड रेज होती है दे आर नेगेटिवली चार्ज, और फिर इस बात को वापस से और पक्का कौन कर देता है, ये वाला पॉइंट कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स वर डिफ्लेक्टेड. तो यार वो तभी डिफ्लेक्ट होंगी जब उनके ऊपर चार्ज होगा. अगर एक रे जो है आपकी न्यूट्रल है ना,
अगर आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, वो ना उनको किसी से मतलब ही नहीं है, वो सीधा ही निकल जाएंगे अपना, है ना। जो न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके सामने आप पॉजिटिव रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो चार्ज है वो आपका जरूर डिफ्लेक्ट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन उसके सामने क्या आ रहा है ना। तो यहां से आपको पता चलता है कि आपके जो क्या बोलते हैं ये कैथोड रेस हैं, वो चार्ज्ड होती हैं, और चार्ज भी कौन सा कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से पहले पॉइंट से आप क्या कहेंगे कि यार अपने इलेक्ट्रॉन्स हो गए पहले तो डिस्कवर, है ना, और ये कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, चार्ज्ड होते हैं, एंड दैट टू नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद पैडल व्हील, पैडल व्हील समझते हो आप लोग, ऐसा वो होता है ना, ऐसा घूमता है टॉप, खेलते हो तुम लोग, नहीं तुम नहीं खेलते हो, बचपन में बच्चे खेलते हैं उससे, तुमने भी खेला होगा। तो बेसिकली एक पैडल व्हील अगर यहाँ बीच में रख दिया जाए, ये रेस के बीच में, मतलब कि आप कुछ इस तरह समझिए, ये डायग्राम दिख रहा है ना सबको, यार देखो ऐसा बीच में एक व्हील रख दो, मैं ये रहा अपना व्हील, वाह इसको व्हील को रख दिया तुमने बीच में, अब बताओ क्या होगा भाई, ये पैडल व्हील जो है ना रोटेट करने लगा, ये व्हील ऐसा घूमने लगा, अब कोई चीज घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मैकेनिकल इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, देखो घूम रहा है ना, मतलब कि मोशन में है, राइट, मोशन जनरेट हो रहा है, तो कोई चीज कब घूम सकती है, जब उसमें पार्टिकल नेचर होगा, मतलब कि जब उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा, राइट, यानी कि वहां पर आपका क्या देखने के लिए मिल रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तरीके से यहां से आपका पार्टिकल नेचर प्रूव होता है कि यार ये जो रेज है ना यहाँ, इसको कौन घुमा रहा है, ये जो कैथोड रेज निकल रही है ये पैडल व्हील से टकरा रही है और पैडल व्हील को ऐसा रोटेट करा दे रही है। तो टकरा कर अगर उसको रोटेट करा दे रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर जरूर कुछ ना कुछ मोमेंटम कैरी हो, ट्रांसफर हो रहा होगा, राइट। तो क्योंकि मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है तो ये आपका पार्टिकल नेचर रिफ्लेक्ट करता है और बेसिकली मैकेनिकल इफेक्ट यहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और बात, पता है पैडल व्हील जो आपने रखा ना उसके बगल में देखा गया यार कि उसके जस्ट बाजू में ऐसा उसकी शैडो भी बन जाती है, मतलब पैडल व्हील जो है उसके जस्ट बाजू में उसका क्या बन रहा है, ऐसा शैडो भी बन रहा है। तो देखिए अगर किसी चीज का शैडो बन रहा है, ऐसा पैडल व्हील के जस्ट आगे उसका शैडो बन जा रहा है, यहां से क्या प्रूव होता है कि यार ये जो आपकी रेज है ना वो लीनियर मोशन में, मतलब ऐसा सीधा सीधा निकलती हुई जा रही है और एकदम सीधा सीधा चल रही है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि आपकी ये जो शैडो बन रही है, राइट, यहां पर शैडो बन रही है और ये आपका क्या बताती है, लीनियर मोशन ऑफ दीज रेज को बताती है कि आपकी ये जो रेज है वो एकदम लीनियरली चल रही है। यार ये दिख रहा है तुम लोग को कि नहीं, मैं एक बारी देखती हूँ जरा, तुम लोग देख भी पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, है ना, बताइए। आहा, फिजिक्स वाली फीलिंग आ रही है किस किस को, देखो आएगी आपको फिजिकल में आधी जगह वैसी फीलिंग आएगी आपको, पर ये बहुत मजेदार है ना, इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और धीरे 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 कैसे जो तुम आज केमिस्ट्री पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज और ये बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद आपका ये आइसोटोप्स वगैरह वगैरह, और ये जो अपने पास आते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स शेल्स ऑर्बिट ऑर्बिटल्स, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वगैरह 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 वगैरह, वो सब यहाँ से ही निकल कर आता है, ठीक है। तो हम एकदम वो स्टार्टिंग पार्ट पढ़ रहे हैं उस चीज़ का, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है, अच्छा यहाँ से अगर ये पैडल व्हील आपका रोटेट कर रहा है तो सिंपल सी बात है मैम, इसका मतलब क्या होता है कि यार मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या बता रहा है, ओए होए, ये बताता है कि यहाँ से आपका मैकेनिकल इफेक्ट बन रहा है। फिर इसके बाद पता है ये जो आपने कैथोड रे थी यार, इसको पहले बोला मेगाट्रॉन, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा उनके मन में यही नाम आया इलेक्ट्रॉन्स और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स रख दिया, नहीं। तो जब आपका ये कैथोड रे डिस्कवर हुआ उसके बाद उन्होंने इसका नाम रखा मेगाट्रॉन, लेकिन फिर थोड़ा और इनोवेशन, थोड़ा और उसके बारे में उन्होंने सोचा और फाइनली आज जो ये मेगाट्रॉन्स जिनको वो बोल रहे थे उनको हम किस नाम से जानते हैं,
इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम टुडे? वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स. तो यार ये कैथोड रे जो है और कुछ नहीं है. आपको पता चल रहा है कि कैथोड रे सीधी सीधी चलती है, नेगेटिवली चार्ज्ड होती है. पहले इसको मेगाट्रॉन बोला और कुछ नहीं है, अपने कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. फिर इसके बाद एक और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो ये एनसीईआरटी में भी एग्जैक्टली ऐसे ही समझाया गया है. तो यार ये ना कैथोड रे ही है, मतलब कैथोड रे ट्यूब ही है, वो जो अपनी ग्लास ट्यूब है ना वही है, बस यहाँ पर उसका पिक्चर थोड़ा अलग सा बनाया हुआ है, बल्कि और सुंदर सा लग रहा है ना. तो यहाँ पर ये वही वाली अपनी ग्लास ट्यूब है. और उन्होंने पता है क्या कहा कि अगर ये जो आपकी कैथोड रे है ना उसके पीछे अगर ऐसा, मतलब ये जो ट्यूब है वहां पर पीछे के साइड अगर ऐसा फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल की हो सकती है कि जब उससे कोई चीज टकराए, कोई बीम टकराए तो वैसा ग्लो करने लग जाए, है ना. मतलब ऐसा फुल डिस्को वाला सीन होता है ना, वो वैसा सा हो जाए कि जैसे इससे एक बीम टकरा और ऐसा एकदम बहुत सारी यू सी लाइक गुड लाइट, ऐसा फ्लोरोसेंट स्क्रीन दिखे अगर आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्लोरोसेंस बोलते हैं. और बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा है कि उन्होंने जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया, क्योंकि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जिंक सल्फाइड यूज कर रहे हैं. वैसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं बट एनसीईआरटी ZNS कहता है. तो पता है क्या देखने के लिए मिला कि यार जैसे ही रेज इधर से निकल रही हैं, भाई कैथोड रे यहां से निकल रही हैं और जैसे ही स्क्रीन पर टकरा रही हैं, आहा एकदम फुल ऐसा डिस्को वाला सीन है. कैसा है ना, एकदम जगमग जगमग, मतलब फ्लोरोसेंट बिहेवियर आपको यहां से देखने के लिए मिल रहा है. तो यहां पर आपको स्क्रीन कैसा दिखेगा, ग्लो होता हुआ दिखेगा, एकदम जगमगाता हुआ दिखेगा. तो यहां पर ये लास्ट पॉइंट जो आपका है वो यही कह रहा है, वो यही कह रहा है कि भाई ये जो आपकी रेज हैं, है ना, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश येलो ग्लो ऑन द ग्लास वॉल कोटेड विद जिंक सल्फाइड. यानी कि अगर जिंक सल्फाइड से अगर आप ऐसा अपना ग्लास के सरफेस को कोट कर देंगे तो वहां पर आपको फ्लोरोसेंस देखने के लिए मिलेगा. और बेसिकली अगर आपने जिंक सल्फाइड जैसा एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया है तो आपको येलो ग्रीनिश ग्लो देखने के लिए मिलता है. यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी, है ना. ठीक है, आप भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े. चलिए नेचर ऑफ कैथोड रेस की बात कर लेते हैं. मेरे को एक बात बताओ, अच्छा पहले तो ना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया और अभी भी पूछा जा सकता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. तो पहले तो जो मैं आपको इस स्लाइड में पढ़ाने जा रही हूँ ये बात समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जब भी मैं ये कहती हूँ ना नेचर ऑफ रे, अभी आप आगे एक और रे पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं एनोड रे. ठीक है, यहां पर आप जैसे कैथोड रे पढ़ रहे हैं, ऐसी हम एक और रे पढ़ने वाले हैं कुछ देर बाद, एनोड रे. ठीक है, तो यार जब भी किसी भी रे के नेचर की बात हो रही है ना, नेचर का मतलब होता है उसका चार्ज बाय मास रेशियो. क्या मतलब होता है, चार्ज बाय मास रेशियो. ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो का मतलब ई बाय एम. ई बोले तो चार्ज कितना है उसके ऊपर, और एम बोले तो उसके ऊपर मास कितना है, भाई उसका मास कितना है. ठीक है, ओके मैम यहां तक आ गया समझ. तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो कैथोड रेज होती हैं क्या उनका नेचर गैस कौन सा अंदर फिल किया गया ग्लास ट्यूब के उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या. आप खुद सोचकर मुझे एक बार बताएंगे, यहां पर सबके सब स्टूडेंट्स चैट सेक्शन में मुझे एक बार ही बताएंगे कि यार जो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है ना. तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बाय मास रेशियो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने ग्लास ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की हुई है, सोचकर बताओ. या फिर आपने जो अपने इलेक्ट्रोड यूज किया है वो कौन से मेटल का बनाया, या फिर किस चीज का इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है, क्या इन दो फैक्टर्स के ऊपर या इन दो चीजों के ऊपर आपका नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड करेगा. यानी कि क्या उनका चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी से बता दीजिए, बोलिए, बोलो भाई क्या ख्याल है आपका, क्या लगता है आपको, करेगा. नो, अरे तुम लोग यार बहुत इंटेलिजेंट हो. मतलब ऐसा तुक्का ही लगा रहे हो कि एकदम कॉन्फिडेंटली, सचमुच आ रहा है, अंदर से निकल रहा है तुम्हारे कि नहीं करेगा मैम. नोप्स, इतना कॉन्फिडेंट से कैसे बोल रहे हैं, हालांकि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो देखिए आज तो हम सभी जानते हैं यार कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है मेरे को बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ही है. कैथोड रे इज नथिंग बट कौन, इलेक्ट्रॉन. पहले तो यार मन में ये फिक्स कर लो कि कैथोड रे जहां जहां आकांक्षा मैम बोल रही हैं, भाई वो और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. ठीक है, आ गया मैम समझ. फिर इसके बाद आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर चार्ज कितना होगा,
ठीक है, चार्ज कितना होता है आज हम हर कोई जानता है, इनके ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, नहीं जानते तो मैंने बता दिया आपको, है ना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो यार उनके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब के बराबर। कूलम्ब क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है, जैसे लेंथ को मीटर्स में बताते हैं, टाइम को सेकेंड आवर इसमें बताते हैं, ऐसे ही आप चार्ज को कूलम्स में रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, जल्दी से बताओ किस किस को मालूम है, तो यार इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये आपका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यार मेरे को एक बात बताओ, नेचर का मतलब अभी अभी आपको मैंने क्या बताया कि नेचर ऑफ कैथोड रेज मतलब उनका चार्ज बाय मास रेशियो, है ना, नेचर का मतलब है यहां पर उसका चार्ज बाय मास रेशियो। तो यार चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ और मास कितना है 9.1 × 10⁻³¹। तो भाई ये जो आपका रेशियो है इसको कोई फर्क पड़ेगा, चाहे आप अंदर कोई भी गैस ले लो, अंदर तुमने हीलियम लिया है, नियॉन लिया है, हाइड्रोजन लिया है, उसको क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का तो हमेशा चार्ज इतना ही रहने वाला है और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमेशा इतना ही रहने वाला है, तो ये रेशियो को तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने भले ही रॉड गोल्ड का लगाया, प्लैटिनम का लगाया, सिल्वर का लगाया, ग्रेफाइट का लगाया, डज नॉट मैटर, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ kg हमेशा रहेगा, उसका चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब हमेशा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके चार्ज बाय मास रेशियो को ये दोनों ही बातों से। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि यार इट डज नॉट डिपेंड, अच्छा अच्छा ओके ओके, तो ये आंसर आपने इसलिए सही दिया क्योंकि स्लाइड में लिखा तो है। देखो मैं सोच रही हूँ यार ये लोग इतने स्मार्ट कैसे हो गए, इतने स्मार्ट तो मुझे लगते नहीं थे क्योंकि तुम है ना, पर तुमने काम तो ऐसा ही किया। तो यार मैं आई वॉज लाइक कि अच्छा लाइक इन लोगों ने यार ऐसा बोल कैसे दिया, है ना, तो क्योंकि आपका सामने ही लिखा हुआ है स्लाइड में इसलिए बोला तुमने। और आकांक्षा मैम देखो कितनी मासूम है, तुम लोग को उसका क्रेडिट भी दे रही है, मतलब सामने ही लिखा हुआ है कि डू नॉट डिपेंड, है ना, और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और ऑब्वियसली जब सामने लिखा है तो आप लोगों ने सही भी कहा और मैं पूरा ही क्रेडिट तुम्हें दे रही हूँ। और मुझे थोड़ा थोड़ा शॉकिंग भी लग रहा था कि यार ये इतने तो मुझे लगते नहीं स्मार्ट ऐसा कैसे आंसर दे रहे हैं, है ना। तो एनीवेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हंस रहे हैं आप अभी जरूर, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में है और बच्चे ना इसका ऐसा रट्टाफिकेशन करते हैं कि अच्छा अच्छा कैथोड रेज में करता नहीं है डिपेंड, एनोड रेज में करता है, फिर एग्जाम आने तक भूल जाते हैं ना, उल्टा पुल्टा लिख कर आते हो। तो अब देखिए आपको ये बात लर्न करनी है क्या, नहीं, आपने तो खुद समझ लिया कि रेशियो है यार, नेचर का मतलब रेशियो, रेशियो किसका, चार्ज बाय मास का, कैथोड रे कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है, मास भी फिक्स है, अंदर कोई भी गैस फिल कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो सेम ही रहने वाला है। फिर रॉड कोई भी मटेरियल का यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेचर का मतलब तो चार्ज बाय मास रेशियो है और चार्ज और मास तो फिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, दैट्स इट, है ना, ठीक है। हाँ हाँ कितने खुश हो जाते हो तुम लोग, है ना, ऐसा कोई कुछ बात मैं कहूँ तो आपकी चलो यार अब तो मुझे इसका आंसर बता दो। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है AIPMT का, है ना, AIPMT में पूछा गया, बोल रहे हैं कि यार अपनी जो कैथोड रेज होती हैं दे ओनली हैव मास, नंबर टू कहता है दे ओनली हैव चार्ज, नंबर थ्री कहता है ना तो मास होता है ना ही चार्ज होता है, और लास्ट आपको कहता है कि यार मास भी होता है चार्ज भी होता है, बताइए आप क्या कहेंगे, बताइए। आप जरा आगे तो बढ़ो, वहीं अटके हुए हो तुम तो, है ना, अटक के तो हो गया, अटक के तो जिंदगी आप नहीं जी पाएंगे, इसको बताइए। नहीं मैम पहले से, वेरी गुड वेरी, देखो प्रियांशी कह रही है मैम मेरे को पहले से पता था, है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, इसी बात पर लेट मी हैव सम वाटर, है ना, और वैसे भी आप जानते हो मेरा गला कुछ दिन से ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक, अरे अभी तो पीछे पढ़कर आए हो तुम लोग, कैथोड रेज का मास भी होता है और चार्ज भी होता है, मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹ कूलम्ब, सब कुछ तो होता ही है, दोनों ही होते हैं उसके पास, आहा बहुत बढ़िया, डन,
नहीं, क्लास नहीं हुआ है, क्लास होने में तो बहुत टाइम है अभी। मैं ये बोल रही हूँ कि ये पढ़ लिया आपने, हो गया अपना, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं। किसको डिस्कवर कर चुके हैं आप? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यानी अब हम करेंगे किसकी डिस्कवरी? एनोड की। और इतना आसान लगने वाला है आपको ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपने कैथोड एक्सपेरिमेंट समझ लिया। अब डिट्टो वैसा सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, और वहां से हमने किसको डिस्कवर किया? प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और प्रोटॉन को हमने पहले क्या बोला? एनोड रे बोला। यार जैसे उसको हम कैथोड रे बोल रहे थे ना, यहां पर उसको क्या बोला गया? एनोड रे। अब उसको एनोड रे क्यों बोला गया, उसको देख लेते हैं। तो देखो यार, अपने पास बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम टाइप का सेटअप किया गया। मतलब ये सेटअप में आपको कुछ भी अलग दिख रहा है? मेरे को तो यार कुछ अलग नहीं दिख रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा है। आप देखिए बीच में, ओहो किधर गया, देखो यार, अरे 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 अरे, ये देखो यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब यूज किया है हमने, है ना। और फिर ये ग्लास ट्यूब को आपने इधर उधर वायर लगा रखी है, दिख रही है सबको वायर? इधर से भी निकालिए, किधर से भी निकालिए। और यहाँ पर आपने ऐसा रॉड लगाई है, कैथोड की रॉड है, और ये एनोड लगाया हुआ है। ये कैथोड वापस से नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। और ये जो आपकी एनोड है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है, है ना, है ना। अब यहां मेरे को कहानी में एक ट्विस्ट नजर आ रहा है यार। यार ये जो अपनी कैथोड है, इसको जरा ऐसा ज़ूम कर देखिए, है ना। तो मैं भी दिखाती हूँ, मैं वैसे तुम्हारी आंखें इतनी तो अच्छी होंगी यार कि तुम देख सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा अभी भी। यहाँ पर ये कैथोड देखो, कैथोड कैसी है यार, ये कैथोड में ऐसा होल दिख रहे हैं तुम्हें, ऐसा गोल गोल बना हुआ है। ये तो बीच में से हॉलो है, मतलब खाली किया हुआ है, ऐसा बीच में इसमें होल्स किए हुए, राइट। तो यार एनोड देखो, पहले एनोड, एनोड तो अपनी सही लग रही है मेरे को, एकदम प्रॉपर मेटल का सरफेस, एकदम पूरा का पूरा, है ना, एक प्रॉपर मेटल रॉड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कैथोड को देख रहे हो, तो यार कैथोड कैसा है, ऐसा उसमें बीच बीच में होल हुए हैं। ओहो, खराब नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर आपने कैथोड जो लिया है वो कैसा है? परफोरेटेड कैथोड है, मतलब कि उसके अंदर ऐसा छोटे छोटे होल्स हुए हैं, ठीक है यार। ओके, सेटअप अपना डन है। देखो मेरे ख्याल से अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको ये जो वैक्यूम पंप दिख रहा है ना साइड में, इधर नीचे वैक्यूम पंप लगाया, इसका क्या रोल होता है? अल्ट्रा लो प्रेशर क्रिएट करना। तो यहाँ पर अल्ट्रा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ये वैक्यूम पंप के हेल्प से। यहां भी जो आपका बैटरी है वो वही 10,000 वोल्ट का है, यानी कि एकदम से बहुत झटका लगेगा इसको, राइट, जैसे आप बैटरी ऑन करेंगे। तो यहां तक हमें क्लियर है। अब देखो उन्होंने पता है क्या किया, यहां पर ये ग्लास ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया? हाइड्रोजन गैस डाल दिया यार। ग्लास ट्यूब के अंदर कौन डाल दिया? हाइड्रोजन गैस। और गैस डालने के बाद उन्होंने बैटरी को ऑन कर दिया। बैटरी जैसे ही ऑन किया जाएगा, गैस को एकदम बहुत भारी झटका लगने वाला है कि नहीं? क्योंकि गैस के पास सीधा 10,000 वोल्ट ऑफ ये मतलब ये चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही गैस के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल जाएगा, गैस क्या हो जाएगी? आयनाइज कर जाएगी। आयनाइज का मतलब सब समझते हैं। तो देखो क्या होता है, गैस को जैसे ही इतना ज्यादा पोटेंशियल मिलता है, वो फटाफट से पहले तो अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी, एटमाइज हो जाएगी। इसका मतलब अभी आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब ऐसा डायटॉमिक फॉर्म में ना मॉलिक्यूल बना हुआ है भाई, ये टूट जाएगी, ये आपके एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि यहां से आपको ऐसा हाइड्रोजन एटम बनता हुआ दिख जाएगा। आहा, ओहो ठीक है, हाइड्रोजन एटम बना। फिर उसके बाद यार ये जो आपकी हाइड्रोजन एटम है, ये फर्दर आयनाइज हो जाएगा, मतलब कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर ऐसा इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के बाद आपके पास यहां पर जो बच रहा है, ये क्या है? एच पॉजिटिव है भाई। एच पॉजिटिव क्या होता है बताओ, बताओ, आपने हमेशा से पढ़ा है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्यों है ये प्रोटॉन? बात समझ आ रही है ना, कहां से शुरुआत हुई? शुरुआत आपकी इस तरीके से हुई है कि आपका ये जो गैस के ये ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस डाला, उस पर पोटेंशियल पड़ा इतना ज्यादा, जैसे ही पोटेंशियल पड़ा वो टूट गया, अपना एटम में डिसोसिएट हो गया, हाइड्रोजन एटम बन गया। और हाइड्रोजन एटम किसमें? आयनाइज हो गया, मतलब उसके अंदर भी जो एक इलेक्ट्रॉन था उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और आपके पास एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आया। और एच पॉजिटिव को आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अच्छा, एच पॉजिटिव को आप प्रोटॉन ही क्यों बोलते हैं, और कोई नाम क्यों नहीं मिला उनको इसके लिए? तो देखिए, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन क्या होती है? 1s1 होती है कि नहीं? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आगे बढ़िए। और तुमने ये एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लिया यार, है ना। अरे यार आपने देखो क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर जाएगा तो 1s0 ही बच जाएगा, मतलब कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं,
अब आपके पास जब ये H पॉजिटिव बन चुका है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा? एक प्रोटॉन होगा। अभी अभी आप मूल कॉन्सेप्ट में पढ़कर आए हैं कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो यहां पर प्रोटॉन्स तो कितने होंगे, Z वैल्यू के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब एक प्रोटॉन रहा होगा। तो अब आपके पास ये जो H पॉजिटिव है, उनको उन्होंने इसको इसीलिए प्रोटॉन ही कह दिया क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं यहां पर, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो H पॉजिटिव को क्यों ना प्रोटॉन ही कह दिया जाए, क्योंकि ये प्रोटॉन ही तो हुआ ना। यहाँ पर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, हाइड्रोजन का सिर्फ न्यूक्लियस बचा है और न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो इसीलिए आज हम इसको क्या कहते हैं, H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब भाई उन्होंने क्या देखा कि आपके ये जो पॉजिटिव वाले आयंस है ना, मतलब कि कौन, अरे यार मैम यही, मैम कौन, ये जो आपके H पॉजिटिव है, ये जो आपके H पॉजिटिव हैं, इस तरीके से आपको चलते हुए दिखेंगे, यानी कि आपके जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो इस तरीके से आपके ऐसा ऐसा लग रहा है कि कैथोड की तरफ जा रहे हैं, है ना। अब भाई कैथोड की तरफ ही जाएंगे ना, क्योंकि H पॉजिटिव कैसा चार्ज है इनके ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, राइट, और नेगेटिव किसके ऊपर है, कैथोड की तरफ। तो यहां पर आपके H पॉजिटिव आयंस हैं, वो किसकी तरफ भागेंगे, ऐसा कैथोड की तरफ भागेंगे, राइट है। तो यहां पर ये किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, सिंस कैथोड कैरी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पहले तो यहां से भी प्रूव हो गया, अब ये तो हमें सब कुछ ही पता है, लेकिन इनको कैसे पता चला, क्योंकि आपकी जो ये उनको दिखाई दिया कि यार एनोड की तरफ से ना, उनको क्या लगा कि यार अपनी जो एनोड है वहां से एक रे निकल रही है ना, और वो रे आपकी कैथोड की तरफ जा रही है। अब अच्छा रे है तो मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, और क्योंकि वो पार्टिकल कैथोड की तरफ जा रहे हैं और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे, है ना। अब यहां पर हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स एक्चुअली कौन है, प्रोटॉन्स हैं, है ना। यहां पर ये आपके जो आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एनोड से चलते हुए आ रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एक रे आपकी एनोड से बनती हुई कैथोड की तरफ जा रही है, इसीलिए हमने इसको इस रे को क्या नाम दिया, एनोड रे कहा। क्या कहा आपने, ए आर, मतलब एनोड रे, करेक्ट है। जैसे उसको क्या कहा गया था, कैथोड रे कहा गया था, ठीक है। तो यहां से हमें ये बात समझ आती है। अब देखो यार, आपके पास आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम द एनोड रे टू एनोड टू कैथोड, एंड देयरफॉर दिस रे वाज रेफर्ड टू एज एनोड रे। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सीख लेते हैं। यार देखो, आपकी ये जो एनोड रेज हैं, क्या ये सच में एनोड से बन रही है, मेरे को एक बात बताओ। जैसे अभी तुमने कैथोड रे देखी थी, है ना, कैथोड रे अभी दो मिनट पहले आप देखकर आए, तो यार कैथोड रे तो एक्चुअली कैथोड से ही निकलती है, क्योंकि कैथोड बैटरी से जुड़ा है ना, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर कैथोड के अंदर जाते हैं, और कैथोड से और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। तो वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि जो कैथोड रे थी, वो सच में कैथोड से बन रही थी, और हमने उसको कहा भी कैथोड रे। लेकिन ये जो आपकी एनोड रेज है, क्या वो एनोड से बन रही है, नहीं। क्या वो एनोड से वाकई ओरिजिनेट हो रही है, नहीं। उनका एनोड से तो कोई लेना देना ही नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये तो गैस से बन रहे हैं यार। ये तो कब बन रहे हैं, जब गैस को पोटेंशियल मिल रहा है और गैस आपकी आयनाइज हो रही है। तो इसका मतलब आपकी जो एनोड रेज है, वो आपकी एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। भले ही आपने उनको एनोड रे कहा है, एनोड रे तो मैम इसलिए कहा है क्योंकि देखने में ऐसा दिख रहा है कि एनोड रेज जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। अरे भाई, वो कैथोड की तरफ इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली चीज तो नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो आपको देखने से ऐसा दिख रहा है कि कोई रे है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, बट द रियलिटी इज कि वो जो आपकी रेज है, वो एनोड से नहीं बन रही है, एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, रादर वो तो आपकी गैस से निकल कर आ रही है। जब गैस का आयनाइजेशन हो रहा है, हाइड्रोजन जब अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर एच पॉजिटिव बना रहा है, वहां से आपकी एनोड रेज बन रही है ना। फिर उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके आयनाइज कर रहे हैं यहाँ पर गैस फील्ड को, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि यार मैम, यहाँ पर जब आपने ये कराया तो इलेक्ट्रॉन भी आए होंगे फिर तो, है ना, प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी तो आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो घूम ही रहे हैं,
पूरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, अब आपके पास एक दूसरी रे आई है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो हो गई ना, इलेक्ट्रॉन्स को तो आप डिस्कवर कर ही चुके हैं, अब एक दूसरी रे आई है यहां पर, एनोड रे जिसको आप कह रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता चले। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यार, एनोड रेज ने भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाया कि अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, किसी भी तरह का फील्ड अगर आप लेकर आ रहे हैं, तो आपकी रेस क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब उनके ऊपर चार्ज है ना। तो आपका ये जो पहला पॉइंट है, ये वापस से क्या बताता है, अगर आपकी मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो चार्ज कैरी कर रही है, दे आर चार्ज, और क्योंकि वो कैथोड की तरफ जा रही है, यहां से आपको ये पता चल रहा है कि यार वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है, कि ये भी पैडल व्हील को रोटेट करती हैं। भाई कैथोड रे भी करती थी और ये भी पैडल व्हील को रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये भी पैडल व्हील को रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब यहां पर आपका मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इनका पार्टिकल नेचर होता है, सब कुछ सेम टू सेम। यार वही जो कैथोड रे का हमने प्रॉपर्टीज बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टीज आपके पास यहां पर बन रहा है। फिर इसके बाद यहां पर जो आपका ई बाय एम रेशियो होता है, दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए। E by m, आप मुझे एक बात बताओ, E by m का मतलब क्या है मैम, चार्ज बाय मास। अब यार अगर मैंने इसके अंदर ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल किया था, तो मेरे पास कौन बने होंगे, एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है सब जानते हैं, कितना होता है, उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, विच इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इतनी सी बात होती है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ प्रोटॉन के ऊपर वही आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। मास कितना होता है प्रोटॉन का, बोलो, मास होता है 1.66 × 10⁻²⁴ kg, इतना आपका मास होता है ना। ये 24 आएगा या 27 आएगा, बताओ मुझे फटाफट, इज इट 24 और इज इट 27? यार ये लर्न नहीं करना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा तो हुआ है, बताओ कहां पर पढ़ा है मेरे को बताओ एक बारी। अभी आपने वन एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था कि नहीं, हाँ, तो इट इज वन, ये क्या होता है 27 है ना, 27 kg, इतना आपके पास मास हो गया। ये चार्ज होता है आपका किसका, प्रोटॉन का। अब यार मेरे को एक बात बताएंगे आप लोग, पहले तो बताओ ये ध्यान है आप लोगों को कि नहीं पता है कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, कौन कौन जानता है जल्दी से बताइए। अब फिर आप मुझे ये बताएंगे कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है। अभी देखो पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी बताया, अब मेरे को बताओ कौन हैवी है, प्रोटॉन हैवी है कि इलेक्ट्रॉन हैवी है, जल्दी से बता दो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एकदम राइट आंसर लिखा है। और इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी मेरे को इस सेशन में देख रहे हैं, मेक श्योर यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन सो दैट मैं समझ पाऊँ कि कितने स्टूडेंट्स ने आज के हमारे क्लास में वाकई किया है पार्टिसिपेट और समझा है। इलेक्ट्रॉन इज हैवी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन हैवी लग रहा है तुम्हें, किसको लग रहा है इलेक्ट्रॉन इज हैवी, युक्ता। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है, पर ना मतलब ध्यान ऐसा गलत की तरफ ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर सबने तो राइट ही दिया है वैसे। अरे भाई, अरे अरे, कितने यार तुम लोग कैसे हो यार, मतलब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। फिर मेरे को बताओ मास ऑफ प्रोटॉन कितना बताया, 1.66 × 10⁻²⁷ kg। अब आगे का तो छोड़ भी दो, आप मेरे को बताओ 10³⁻³ बड़ा होता है या 10⁻²⁷ बड़ा होता है। शायद आप सभी ये कहेंगे कि 10⁻²⁷ बड़ा होता है, तो अगर ये बड़ा होता है तो ये वाला मास ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। और यहां से क्या आप ये कह सकते हो कि आपका जो प्रोटॉन होता है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन हैवी होता है। प्रोटॉन कैसा है भाई, हैवियर है, ठीक है ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या निकल कर आता है कि आपका जो प्रोटॉन का मास होता है, बेसिकली जब आप रेशियो फाइंड आउट कर देखते हो तो आपको पता चलेगा दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप इन दोनों मास का रेशियो लेते हो। इसका मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से इतना टाइम्स हैवियर होता है। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा ध्यान नहीं रहता है ना, मैम ये कैसे ध्यान होगा 1837, ये तो बहुत मुश्किल है। तो देखो 1837 नहीं ध्यान हो रहा, 2000 तो हो सकता है आपको, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको
2000 भी बोल देते हो कि यार आपका जो प्रोटॉन है वो ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन. तो आप सोचिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी, ऑलमोस्ट 2000 ज्यादा. ठीक है, इतना अभी मान जाओगे आप लोग, मान जाएंगे कि नहीं? हम तो मान जाते हैं मैम सब कुछ, है ना. चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि यार यहाँ पर ये जो आपकी एनोड रेज है ना, अब मैं स्लाइड छुपा देती हूँ वरना तुम सही आंसर दोगे. देखो अब मुझे बताओ कि आपकी ये जो एनोड रेज है, ठीक है, एनोड रेज का जो चार्ज बाय मास का रेशियो है, एनोड रेज का जो यार चार्ज बाय मास का रेशियो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, कि ये आपकी एनोड रेज का क्या है, नेचर है. क्या ये आपका जो चार्ज बाय मास का रेशियो है, विल दिस डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द गैस यूज्ड. अंदर ग्लास ट्यूब के अंदर कौन सा गैस तुमने डाला है, क्या उस बात से कोई फर्क पड़ेगा, क्या उसके ऊपर आपका ये रेशियो डिपेंड करेगा, यानी कि क्या उसके ऊपर आपका नेचर डिपेंड करता है कि नहीं, बताना यार, बता दो, बोलो जी. हाँ बिल्कुल करता है. अरे अरे नो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैम इस बार हमें स्लाइड नहीं दिख रही है ना. नहीं बिल्कुल करता है यार. आप मुझे एक बात बताओ, देखो यार भाई, अगर मैं आपका, अभी तो मैंने कौन सा गैस डाला है, अभी मैंने डाला है हाइड्रोजन गैस, है ना. हाइड्रोजन गैस से H पॉजिटिव बना और इलेक्ट्रॉन बना. अगर मैं नाइट्रोजन गैस डाल दूं तो फिर नाइट्रोजन से क्या बनेगा, N पॉजिटिव बन जाएगा. अच्छा अगर मैं, भाई मेरा मर्जी है ना, आपने तो बोला कि गैस के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, अब तो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं उसको देखने के लिए मेरे को अलग अलग गैसेज लेनी पड़ेंगी, फिर चेक करूंगी गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं. तो अगर मैंने हाइड्रोजन लिया H पॉजिटिव, नाइट्रोजन लिया N पॉजिटिव, हीलियम लिया तो HE पॉजिटिव. तो यार एक बात बताओ, फिर यहां पर मेरा रेशियो क्या है, चार्ज बाय मास का रेशियो है. तो चार्ज तो छोड़ो, अगर आप नहीं भी समझ पा रहे, मास तो हमेशा ही बदल जाएगा, है ना. मास हीलियम का कुछ और होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है और हाइड्रोजन का अलग होता है, तो मास तो बदल ही रहा है. तो जब मास बदल रहा है तो ये रेशियो भी बदलेगा, और अगर रेशियो बदल रहा है मतलब उनका नेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज बाय मास रेशियो के ऊपर डिपेंड कर, मतलब नेचर आपका, टाइप ऑफ द गैस जो आपकी यूज की जा रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यार, है ना. तो यहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि नेचर ऑफ एनोड रेज, यानी कि उनकी जो ई बाय एम वैल्यू होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द क्यूब. वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि आपने गैस कौन सा लिया है, और इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी तब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ये चार्ज बाय एम की, ई बाय एम की तब आती है जब आपने क्या लिया है, हाइड्रोजन गैस को लिया है. क्योंकि देखिए अगर तुम हाइड्रोजन गैस लेते हो, है ना, तो यार वही सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, इसके बाद तो सारी हैवी गैसेस आएगी. अब भाई हाइड्रोजन से तो हर किसी का मास ज्यादा ही होगा कि नहीं, जैसे नाइट्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, ऑक्सीजन, सबका ही मास जो है हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होगा, हाइड्रोजन तो सबसे लाइटेस्ट होता है, करेक्ट है. और चार्ज बाय मास रेशियो में मास आपका जितना ज्यादा होगा, ये रेशियो ओवरऑल उतना कम हो जाएगा कि नहीं, भाई मास जितना ज्यादा होगा रेशियो उतना कम होगा कि नहीं होगा. तो यहां पर बेसिकली आप लोग क्या कह सकते हो, जल्दी से बताओ मेरे को, यहां पर आप क्या कह सकते हो, कि ये हाइड्रोजन गैस जो आपने यहां पर लिया होगा, तब आपका ये जो रेशियो है सबसे छोटा, यानी कि सबसे रेशियो सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि मास सबसे कम आएगा, एंड वी नो दिस रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, देयरफॉर यहां पर ये रेशियो आपका मैक्सिमम आता है. तो इसीलिए देखो क्या लिखा गया है, कि ये चार्ज बाय मास की मैक्सिमम वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आपने यहां पर कौन सा गैस लिया होगा, हाइड्रोजन गैस लिया होगा. लेकिन अगर आप अपना गैस बदल देते हो तो रेशियो भी बदल जाएगा, है ना, और कोई भी दूसरा गैस डालोगे तो रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा हर एक आने वाला दूसरा गैस हाइड्रोजन गैस से तो हैवी ही होगा, तो ओवरऑल रेशियो आपका कम हो जाएगा. बोलो मैम आया समझ. बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये ऐसा एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड आई रियली होप क्या कि आप इसको एकदम ठीक कर कराओ, और लर्न करने जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको नहीं लग रहा हो कि यार ये तो मैम ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ओहो ये तो ध्यान रखना पड़ जाएगा यार, नहीं ना, कोई भी प्रॉपर्टी आपको ऐसी लगी नहीं होगी कि ओ माय गॉड. चलो फिर नेक्स्ट, हमारे पास, हमने दोनों का ही डिस्कवरी कर लिया. तो देखो यहां से अपना कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए. कैथोड रे का नाम मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और आपकी जो एनोड रे है वहां पर अगर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हो
उसको मतलब अगर आपने ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस डाला है तो वहां से आपके प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए। हालांकि अगर आप दूसरा कोई गैस डालोगे तो वहां से भी पॉजिटिव आयंस तो बनेंगे, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए हीलियम गैस डाल दिया, हीलियम गैस डालने पर एच ई पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखो यहां पर क्या होगा, वापस से एनोड रे कौन बनाएगा, एच ई पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, ठीक है। अब एनोड रे में कौन होंगे, एच ई पॉजिटिव आयंस होंगे, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, प्रॉपर्टी सारी सेम है, पर इसको आप प्रोटॉन नहीं कहोगे। प्रोटॉन सिर्फ कब बनेगा, जब आपने उसके अंदर गैस ट्यूब के ग्लास ट्यूब के अंदर एच पॉजिटिवली एच मतलब हाइड्रोजन गैस लिया होगा, ठीक है, तो एच पॉजिटिव बनता है, तो यहां से आपके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई। तो देखो यार अगर आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कैथोड रेज आपकी कैथोड से बनती है और एनोड रेज ऐसा दिखता है कि एनोड से बन रही है। कैथोड रेज का नेचर नहीं डिपेंड करता है अपॉन द गैस फिल्ड कि आपने कौन सा गैस फिल किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग एनोड रेज की बात करते हो तो वो आपका नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपका किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगा। आहा है ना कह दो आहा, आया सबको समझ की नहीं आया, हो गए अपने प्रोटॉन्स भी डिस्कवर कर लिए, हमने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर कर लिए, वाह वाह वाह। अब लास्ट बचते हैं कौन, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी कर लें डिस्कवर, है ना, फटाफट बताइए, रेडी न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने के लिए, बताइए, मजा आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए न्यूट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया, तो बेसिकली न्यूट्रॉन्स को हमने कुछ इस तरीके से डिस्कवर किया, ऐसा बम्बार्टमेंट एक्सपेरिमेंट कराया। देखो न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स कौन होते हैं, किस किस को पता है, कम ऑन ऐसा रेज योर हैंड, जहां भी आप हैं वहीं बैठे बैठे, खड़े भी हो सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ये बताओ कि अल्फा पार्टिकल्स किसको कहते हैं, सोचो सोचो अल्फा पार्टिकल्स कौन होते हैं। देखिए हीलियम होता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4, ठीक है। अब भाई हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, आप हीलियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे एच ई पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकाल देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो एच ई टू पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, हीलियम था हीलियम, है ना, ये आपका रहा हीलियम, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला एच ई पॉजिटिव, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला एच ई टू पॉजिटिव बन गया, ये जो आपके पास एच ई टू पॉजिटिव बना है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। बहुत तुम ऐसे करते हो, ये होता है अल्फा पार्टिकल, है ना, ये होता है, ये रहा ये रहा ये रहा एच ई पॉजिटिव एच ई टू पॉजिटिव, यानी कि आप इसको और क्या बोल सकते हैं, डबली आयनाइज्ड हीलियम, है ना, हीलियम का डबल आयनाइजेशन कर दीजिए, हीलियम से ऐसा एक बार दूसरी बार दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डबली आयनाइज्ड हीलियम जो बनेगा आपके पास उन्हीं को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, कह दो यस मैम, है ना यार, तो पता चल गया हमें कौन होते हैं। अच्छा एच ई टू पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोचकर बताओ, जो अपना एच ई टू पॉजिटिव ये बना है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताना कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक भी नहीं भाई। हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 एटॉमिक नंबर 2, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही तुमने एक एक बार कर कर निकाल दिया तो बचा ही नहीं, क्या बचे हैं, सिर्फ हीलियम का केवल न्यूक्लियस बचा है। तो बेसिकली आप और क्या कह सकते हो कि हीलियम के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, है ना, क्योंकि इसमें से तो बाकी तो निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, अब बचा क्या है, न्यूक्लियस बचा है, न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स बचे हैं, तो वो जो आपका न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम है वही आपका क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है। अब ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं तो उनकी एक रे बन जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा रे कहते हैं। अब समझते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, देखो 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 जी सामने देखो, हाँ देखो भाई, यहां पर उन्होंने एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, सोर्स अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये है, ये प्यारा प्यारा यहां से क्या निकल रही है, अल्फा रेज निकल रही है, क्या निकल रही है, अल्फा रेज इस तरीके से एमिट हो रही है, अल्फा रेज निकल रही है ना, और वो जाकर किसके ऊपर पड़ रही है, ऐसा बेरिलियम के सरफेस के ऊपर पड़ रही है, बेरिलियम आपका क्या है, मेटल है, मैं मतलब बेरिलियम का एक मेटल सरफेस है उसके ऊपर पड़ रही है, और ऐसा सिंपल नहीं कि रेज ऐसा टुक 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 कर कर आ रही है, नहीं 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 इतना आराम से नहीं आ रही, एकदम बम्बार्टमेंट मतलब एकदम धुआंधार स्पीड से आपकी रेज जो है ये सरफेस के ऊपर पड़ रही है, बेरिलियम के सरफेस के ऊपर। बम्बार्टमेंट का मतलब समझते हो तुम लोग की नहीं, मेरे को बताओ बताओ यार, आपको पता है
बम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, बम्बार्डमेंट का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास AK-47 है, या फिर आजकल ऐसा बहुत सारी मशीन गन्स आती है ना कि मतलब एक बार फायर किया और ऐसा धड़ धड़ बहुत सारी निकलती हैं आपके एक साथ ही, बहुत सारी बुलेट्स है ना, मतलब विद इन लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपकी बहुत सारी बुलेट्स शूट हो जाएंगी। मतलब आपको दो बुलेट्स के बीच का इंटरवल भी मॉनिटर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाएगा कि एक सेकेंड में मान लीजिए 100 बुलेट्स फायर हो गई। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ये अल्फा रेस को ऐसा इस सरफेस के ऊपर अगर बम्बार्ड करा दोगे, है ना, ऐसा स्ट्राइक करा दोगे, तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहां से ना कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, यहां से भी आपको एक रे बाहर निकलती हुई दिखाई देगी इस तरीके से, और फिर वो आपकी ये पैराफिन वैक्स, हमने इसके पीछे क्या लगाया, ये जो आपका बेरिलियम का सरफेस है इसके पीछे हमने पैराफिन वैक्स लगा रखा है। अब यार ये पैराफिन वैक्स क्या होता है, देखो वैसे कोई काम नहीं है यहां पर पैराफिन वैक्स का, पर सिंपल सी बात यह है कि पैराफिन बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन सब समझते हैं ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं हो, और इसमें क्या होता है हैवी हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब काफी ज्यादा ऐसा हाइड्रोजन कंटेंट इसके अंदर होता है, तो हैवी बन जाता है, तो हैवी हो जाएगा तो इससे हर कोई पास नहीं कर पाएगा, है ना, इसको हर कोई मतलब हर एक रेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो बेसिकली हमें बाद में पता चलता है कि यार ये जो रे है ना, ये रे के आसपास जब हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आए, क्या किया हमने, ये जो रे बनी यहाँ से, ये जो बेरिलियम वाली स्क्रीन के पीछे ऐसा रे निकल कर गई, तो हमने देखा कि इस रे के आसपास अगर हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रे अपना सीधा निकलती जा रही है। कौन सी रे को फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सीधा निकल जाएगा, जब आपके पास आपकी रे कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, मतलब जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज होता तो इधर उधर भाग जाती, पर उसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, है ना, न्यूट्रल अपना ऐसा सीधा सीधा चल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो किया है, आपने क्या किया है, आपके पास बेरिलियम है और उसके ऊपर तुमने हीलियम का बम्बार्डमेंट करा दिया है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपके पास रे निकलती है क्योंकि आपकी न्यूट्रल होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बता दो, क्योंकि आपकी न्यूट्रल होती है तो इसको हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन्स कह दिया हमने ये वाले पार्टिकल्स को। तो ये जो आपकी रेडिएशन है किस पर आएगी, पैराफिन वैक्स पर टकराएगी, फिर न्यूट्रॉन जो है आपके, पता चलता है कि यार ये तो न्यूट्रल होते हैं, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ये अपना सीधा जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रल है, नहीं पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो और भी ज्यादा हैवी होते हैं, किससे, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन हैवी था यार, बताना मेरे को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन हैवी था, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन वाज हैवियर, और ओवरऑल अगर आप तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कंपेयर करेंगे न्यूट्रॉन सबसे हैवी होते हैं, यानी कि मास का ऑर्डर अगर मैं अरेंज करना चाहती हूँ तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर आखिर में हमारे पास क्या आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये AIPMT का क्वेश्चन है, देखो ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब कि ये आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं बताएगा कि देखो ऐसे ऐसे हो गया, बट ये आपको खुद दिमाग लगाना है। अब आप मुझे बताओ आपका न्यूट्रॉन इतना लेट क्यों डिस्कवर हुआ, मतलब पहले हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, फिर हमने प्रोटॉन का किया, सबसे आखिर में न्यूट्रॉन, और वो भी काफी टाइम बाद, ऐसा क्यों कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में इतना टाइम लग गया। ऑप्शन वन कहता है कि न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं। ऑप्शन टू कहता है क्योंकि यार न्यूट्रॉन्स जो है ना हाईली अनस्टेबल पार्टिकल है। ऑप्शन सी कहता है कि यार क्योंकि न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होते हैं, और ऑप्शन डी कहता है क्योंकि न्यूट्रॉन्स चल ही नहीं सकते। व्हाट डू यू थिंक विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, कम ऑन बता दीजिए। ऑप्शन सी, आहा, क्योंकि मैम न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होते हैं, ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। अरे चलते तो है यार, ऐसे थोड़ा ना होते न्यूट्रॉन्स डू नॉट मूव, चलते रहे उनकी रे भाग तो रही है, बस इतनी सी बात है कि सीधा निकल रहे हैं। और ये यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव इधर उधर उनके ऊपर असर होता है बाकी चीजों का, पॉजिटिव के ऊपर भी असर होगा, लेकिन जो न्यूट्रल है उसके ऊपर आधी से ज्यादा चीज तो काम ही नहीं करेंगी, है ना, जो न्यूट्रल है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने में इतना टाइम लगा, बिकॉज दे वर चार्जलेस, राइट आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमने यहाँ पर डिस्कवर किए हैं, इनको एक बारी कंपेयर कर लेते हैं, आप लोग मुझे बताते चलेंगे, है ना यार, आप लोग को मुझे बताना है, बताओ यार प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, अभी अभी हम लोग पढ़कर आए, आहा
अभी अभी तो पढ़ा है यार, प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव में होता है, माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन होते हैं चार्जलेस, यानी कि उनके ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता मैम, जीरो चार्ज होता है। फिर इसके बाद मुझे आप बताएंगे मास के बारे में, जल्दी से बताओ प्रोटॉन का मास कितना होता है, बोलो बोलो प्रोटॉन का मास कितना होता है मैम? हाँ सोचने दो, कितना था? 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, है ना, इतना होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स का भी इतना ही मास होता है, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। That means they have almost similar mass, ठीक है, ये इनका मास जो है आपका सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद डिस्कवर किसको किसने किया, देखो यहां पर अपने जो पहला ऑप्शन में क्या लिखना है, प्रोटॉन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय शैडविक एंड इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन। सो दिस इज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ योर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि आपके पास कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आहा वाओ यार, हो गया फिनिश, डन विद दिस, है ना। तो अपने तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्कवर भी हो गए, इनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ भी लिया। एंड विद दैट आई होप आपको मजा आया, कल की क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम बहुत सारी एटॉमिक थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, मतलब कि एटम दिखता कैसा है, एटम में कौन कहाँ होता है, शेल्स क्या होती है, कहाँ से निकल कर आई, किसने दिया, एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता कैसा है, उसका मोशन कैसा होता है, और भी बहुत कुछ हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। तो यार तुम लोग ऐसा बहुत कंजूसी करते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में बताते ही नहीं हो, कुछ कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं, और मैं हमेशा हमेशा जरूर जब भी मैं अपनी क्लास में आती हूँ उससे पहले मैं जरूर यू नो प्रीवियस सेशन के कमेंट्स पढ़कर आती हूँ। तो ऐसा नहीं सोचा करो कि आकांक्षा मैम पढ़ती तो होंगी नहीं, है ना, मैं जरूर पढ़ती हूँ। तो मेक श्योर आप, आज तो पहला पहला सेशन है आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आप मुझे जरूर बताएं हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद दी सेशन, जैसे ही सेशन ओवर होता है, और पढ़ते रहिए। नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पर। कल के क्लास से पहले अपने नोट्स कंप्लीट रखिए, एक दो सेशन हो जाए फिर स्पेशल क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारे पास गुड यू नो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो टू डिस्कस। तो फिर आपकी स्पेशल क्लास ले लेंगे जो कि फ्री क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पर। कल आपकी क्लास नॉर्मल टाइम पर ही होगी, होपफुली 8 बजे, ठीक है, तो 8 बजे हम लोग आपकी कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड विद दैट टाटा बाय बाय, टेक केयर, जिसने नहीं किया है डिनर प्लीज करिए, काफी टाइम हो गया है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।